आप देख रहे हैं हमारा पेज और आज हम मौजूद हैं एक नए बाग में और नई जगह पर। ये जो है बहादुरपुर विकास खंड का अंतर्गत कुसौरा बाजार से जब आप पड़ेरी मार्ग पे जाएंगे तो कुसौरा बाजार से मात्र 10 कदम की दूरी पर ये बड़ी बाग है। यह बड़ी बाग पे आम का फल मिलता है, ताजा फल मिलता है, गाल का फल मिलता है। इस समय आम का सीजन आ गया है, आम खाने वालों लोगों की कमी नहीं है, बसलते उन्हें ताजे फल की जरूरत होती है। इसलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से जो क्षेत्र में बाग हैं, बाग को दिखा रहे हैं। अब जो बाग हैं, बाग देखने को कम मिलता है, लगातार पेड़ों की कटान की गई, पहले की अपेक्षा अब बाग काफी कम हो गई है, कहीं कहीं ये बाग देखने को मिलती है। हम अपने पुराने वीडियो में चिल्मा की बाग को दिखाया था, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि पड़ेरी मार्ग पे बड़ी बाग है उसको भी दिखाया जाए। तो आज हम पड़ेरी गांव के जो बाग है, बड़ी बाग को लेके हम हाजिर है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पेड़ है और पेड़ की हरियाली बड़ी अच्छी है। इस भीषण गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ पर काफी राहत मिल रहा है। जहाँ आप कूलर के नीचे बैठे होते हैं तब जितना ठंड हवा मिलता है उतना ठंड हवा आपको बाग में देखने को मिलती है। बाग से दो फायदे है, आपको छाया भी मिलती है और जो पेड़ बड़े हो जाते हैं उसके फल भी मिलते हैं। आज हम फलों को लेके हाजिर है। लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनकी मांग रहती है कि ऐसे ऐसे बागों को दिखाया जाए जहां पर हमको ताजा फल मिल सके। तो आज हम बस्ती जिले के एक पड़ेरी गांव की बाग को लेकर हाजिर हैं। पूरी बाग की एक बार हम दिखा देते हैं कि कितनी लंबी लंबी चौड़ी बाग है। ये पूरी लंबी चौड़ी बाग है और पेड़ बड़े अच्छे अच्छे हैं। इसमें इतने वैरायटी के पेड़ हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये गाँव की बाग है और गांव की बाग में हम आपको दिखा रहे हैं, एक पेड़ हम दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों में फल लगा हुआ है, लेकिन इस पेड़ में अभी आ रहे हैं बौर आ रहे हैं। ये आप बौर की वीडियो देख सकते हैं। ये बारहमासी बताया जाता है कि बारहमासी आम है और आम इधर भी देख सकते हैं कि देखिए आम लगा हुआ है। और ये पूरी बाग है, काफी लंबी चौड़ी बाग है। आप अगर सुबह के समय आएंगे तो आम आपको जरूर मिलेगा, और अगर आप लेट में आएंगे क्योंकि ग्राहक लेने वाले अधिक हैं, अभी बरसात हुआ नहीं है, जो आम मिलते हैं ये कम मात्रा में पककर गिरते हैं, वही आम आपको मिलता है। जैसे बारिश हो जाती तो ज्यादा हो जाता है, बारिश हो जाती तो ज्यादा हो जाता। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है भैया। पहली बात ये है कि हम लोग जब छोटे थे इतनी बाग होती थी, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, बाग काफी कम होने लगी है। हाँ, बागों की संख्या काफी कम हो गई है जी। लोग पेड़ की कटाई ज्यादा कर दिए जी, और उस हिसाब से पेड़ लगे नहीं जिस हिसाब से कटाई हुआ जी। इसी कारण बागों की संख्या धीरे धीरे घट जा रही है। और इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का, ये कुसौरा बाजार से लगा पड़ेरी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ी बाग है। इतनी बड़ी बाग इधर आसपास कहीं नहीं दिखता। कितने बीघे में है ये? यहाँ पर तीन बाग है, तीनों बाग कितने बीघे में है? ये कम से कम होंगे 80-90 बीघे। 80-90 बीघे, हाँ। ये 80 बड़ी बात है कि 80-90 बीघे की बाग में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तीन बाग बनाई गई है, यहाँ पर से मेड़ है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा छाया है और काफी मात्रा में पेड़ लगाए गए हैं। ये कौन कौन से यहाँ पर यहाँ हर वैरायटी के आम देखिए, ये देखिए बारहमासी है जी, इधर देखिए ये चौसा है जी, उधर देसी है जी, इधर गौड़जीत लगा है जी, इधर दशहरी है जी, और एक आम उस तरफ है बम्बैया, जिसे 5-6 प्रकार की प्रजाति के यहाँ के आम पाए जाते हैं। अच्छा, कौन से आम सबसे अच्छे लगते हैं? देखिए सबसे अच्छा जो इस समय चल रहा है, लोग गौड़जीत की मांग करते हैं जी, लेकिन फलों का राजा तो दशहरी माना जाता है जी। अब आपके उनकी च्वाइस के ऊपर है, ग्राहक कौन पसंद कर रहा है, लेकिन अगर जो उसकी महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे महंगा गौड़जीत बिकता है। गौड़जीत 80 रुपए किलो बिकता है जी, और दशहरी जी 50 रुपए किलो लगभग। एक सवाल मेरा है कि हमारा जो ग्राहक है, जो हमारा देखने में दर्शक है, वो चाहते हैं कि मुझे फल जो मिले वो शुद्ध फल मिले, दाल का चुआ हुआ मिले। तो सुबह मिलेगा वो? अच्छा, सुबह देखिए आज 2 कैरेट गौड़जीत निकला था जी, और 2-3 कैरेट दशहरी जी। तो जो दाल के शौकीन है वो सुबह बाग में आ जाते हैं जी, और वो लेके चले जाते हैं। जो लेट आता है वो नहीं पाता है जी। हाँ, तो क्या अगर कोई आ जाए सुबह तो पा सकता है? 8 बजे तक आ जाए तो पा जाएगा वो।
आ जाएगा। हाँ तो आपने आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उन्होंने बताया है कि कितने वैरायटी के इनके पास आम के पौधे हैं। एक बारहमासी के बारे में इन्होंने बताया है, हमने दिखाया भी है अपने वीडियो में कि देखिए उसमें फूल आ रहे हैं। बाग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, भले बाहर जो है 45 डिग्री और 46 डिग्री का टेम्परेचर हो, लेकिन बाग में आने के बाद जो महसूस होता है वो जब आप कहीं घूमने जाते हैं, बाहर कहीं यात्रा पर जाते हैं, उतना अच्छा अनुभव वहां नहीं हो पाता है जितना इस बाग में हो पा रहा है। दोपहर का वक्त है, मैं दोपहर में इस बाग में मौजूद हूं, लेकिन इस बाग में पसीने नहीं हो रहे हैं। अभी बाहर जैसे आप निकलेंगे टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा, इसीलिए अगर आपको शुद्ध आम खाना हो, शुद्ध डाल का आम खाना हो, तो पौधे जरूर लगाइए और ऐसे बागों में जरूर एक बार घूमिए जिन्होंने अपने खून पसीनों से इस पेड़ को लगाया है और पानी दे करके इतना बड़ा किया है, तब जाके उन्हें पेड़ की छाया के साथ और फल भी मिल रहे हैं। वही फल हम लोग को आपको खाने को मिल रहे थे। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोपहर के समय में मुझे अवसर दिया। आज के लिए बस यहीं तक, नमस्कार।